आज हम पारिस्थितिक तंत्र के संगठक के बारे में बात करेंगे। कोई भी पारिस्थितिक तंत्र तीन प्रकार के संगठकों से मिलकर बनता है। सबसे पहला है ऊर्जा संगठक, दूसरा है भौतिक या अजैविक संगठक, तीसरा है जैविक संगठक। इसमें जो पहला संगठक आता है ऊर्जा संगठक, वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण संगठक है किसी भी पारिस्थितिक तंत्र को क्रियाशील रखने के लिए। ऊर्जा संगठक के अंतर्गत सौरिक ऊर्जा, सौरिक विकिरण और उसके अन्य पक्षों को शामिल किया जाता है। सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो सूरज का केवल 2/1 भाग ही होती है, जो पृथ्वी के संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को संचालित करने के लिए पर्याप्त होती है, क्योंकि बिना सौरिक ऊर्जा के कोई भी पारिस्थितिक तंत्र संचालित नहीं हो सकता, क्योंकि सौरिक ऊर्जा पर प्रकाश के द्वारा हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं और इन हरे पौधों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य जीवधारी निर्भर करते हैं। इसके बाद आता है भौतिक या अजैविक संगठक। भौतिक या अजैविक संगठक के अंतर्गत स्थल, जल और वायु को सम्मिलित किया जाता है। स्थल के अंतर्गत मिट्टी, अगर मिट्टी को ले तो हरे पौधे मिट्टी के द्वारा सूक्ष्म तत्वों को ग्रहण करके अपना भोजन बनाते हैं, और जल, जलमंडल, जल के द्वारा अर्थात मिट्टी की नमी के द्वारा भी पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और वायुमंडल, और वायु के अंतर्गत मुख्यतः O2 और CO2 गैस आवश्यक होती हैं, जो जीवों के श्वसन के आदान प्रदान के द्वारा एक दूसरे को प्राप्त होती हैं। इसके बाद इसमें आता है कि जीवन निर्वाह के लिए अन्य भौतिक तत्व कौन कौन से हैं। तो जो भौतिक या जैविक संगठक हैं उनके अंतर्गत जीवन निर्वाह के लिए अन्य अभौतिक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तथा तरल तत्व। उसके बाद जो जीवजनक तत्व होते हैं जो अजैविक या भौतिक तत्वों के अंतर्गत आते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। जो अधिक मात्रा में जिनकी आवश्यकता होती है वो होते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, पोटास इत्यादि। इसके अलावा जो सूक्ष्म मात्रा में अजैविक तत्वों के अंतर्गत जो तत्व आते हैं वो होते हैं फेरिक, मैग्नीशियम और जिंक इत्यादि। इसके बाद आता है जैविक संगठक। जैविक संगठक के अंतर्गत पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव और उनके मृत भाव को सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत जो जैविक संगठक है इन्हें दो भागों में बांटा जाता है, स्वपोषित संगठक और परपोषित संगठक। स्वपोषित संगठक के अंतर्गत पौधों को शामिल किया जाता है। पौधे दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषित संगठक के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषी पौधे और रसायन संश्लेषी पौधे। प्रकाश संश्लेषी पौधे सौरिक विकिरण अर्थात सूर्य की ऊर्जा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड को सम्मिलित रूप से ग्रहण करके क्लोरोफिल की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा 6 ग्लूकोज और 6 ऑक्सीजन के अणुओं का निर्माण करते हैं। इस प्रकार हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं और इन हरे पौधों पर सभी जीवधारी अर्थात जीव जंतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं। इसके बाद आता है रसायन संश्लेषी पौधे। रसायन संश्लेषी पौधे ऑक्सीडेशन के द्वारा अजैविक तत्वों से रसायन संश्लेषण की विधि द्वारा आहार निर्मित करते हैं। इसके बाद आता है नंबर 2 परपोषित संगठक। परपोषित संगठक के अंतर्गत केवल बेजंतु सम्मिलित किए जाते हैं, जो प्राथमिक उत्पादक अर्थात हरे पौधों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं। आहार ग्रहण की प्रक्रिया के आधार पर परपोषित जीवों को 3 उपप्रकारों में बांटा जाता है। पहला आता है मृतजीवी, दूसरा आता है परजीवी, तीसरा आता है प्राणी संभोजी। मृतजीवी के अंतर्गत वो जंतु आते हैं जो मृत पौधों तथा जंतुओं से प्राप्त जैविक यौगिकों को घोल के रूप में ग्रहण करके जीवित रहते हैं, अर्थात बैक्टीरिया अपघटक जो पौधों के मृत भावों को जटिल अणुओं से सरल अणुओं में बदल देते हैं और उनसे नाइट्रोजन और अमीनो अम्ल की प्राप्त करते हैं। इसके बाद आता है परजीवी। परजीवी जंतु अपने आहार तथा जीवन निर्वाह के लिए दूसरे जीवों पर पूर्णता निर्भर करते हैं। इसके अंतर्गत वह जीव आते हैं जो पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। उस उन प्राथमिक उपभोक्ता अर्थात शाकाहारी जीवों को अन्य जीव खाते हैं, उन्हें द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। इस प्रकार एक फूड चेन चलती चली जाती है। इसके बाद आता है प्राणी संभोजी जंतु।
प्राणिसम भोजी अपने मुख द्वारा आहार ग्रहण करते हैं। इसके अंतर्गत सभी बड़े जंतु और मानव इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। तो ये तो हुआ पारिस्थितिक तंत्र के संगठन और उनकी विशेषताएं।